हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे इजी पीजी नूडल्स जो बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया, कैसे बनाए। हे गाइस, यहाँ मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और अब पहले हम गार्लिक को फ्राई कर लेते हैं। गाइस, गार्लिक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप गार्लिक ज़रूर ऐड करें। गार्लिक को हम पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं जिसमें कि वो हल्का गोल्डन ब्राउन आ जाए। उसमें होने के बाद पहले मैंने यहाँ पे सारी वेजेस कट कर ली हैं, जिसमें कि मैंने कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम, बीन्स एंड एक टमाटर का यूज़ किया है। अब हम उसी गार्लिक में देख सकते हैं वहाँ पे हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद चिली ऐड किया है। चिली को भी हम थोड़े अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम डालेंगे अनियन। अनियन मैंने बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनियन क्रंचीनेस हटा देता है, तो कम अनियन ऐड करके अब मैं बाकी सारे वेजेस भी ऐड कर लूँगी। आपको गाइस वेजेस को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस स्टिर फ्राई काफ़ी है। स्टिर फ्राई से होता ये है गाइस कि आपकी वेजेस बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं हो जाएगी और वो क्रंची ही बना रहेगा। अब मैंने यहाँ पर जो हाफ टमाटो कट किया था वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम इसे हल्का सा और फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद देखिए गाइस, अभी भी मेरी वेजिटेबल्स में क्रंचीनेस बाकी है। अब हम यहाँ पे नूडल्स ऐड करेंगे। गाइस, नूडल्स मैंने पहले ही यहाँ पे उबाल कर रख लिया था। आपको करना ये है कि जब भी आप पानी गर्म करने के लिए डालें उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल दें, जिसमें ऑयल की वजह से नूडल्स हमारे चिपचिपे नहीं होंगे। अब हम नूडल्स को इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम एक अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ गाइस। तो यहाँ मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ, अगर आपको इस तरीके के स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते हैं तो बेस्ट तरीका है आप 2 फोक ले, जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है। आप फोक से बहुत अच्छे से गाइस आप मिक्स कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मेरे से नहीं हो रहा था तो मैंने अब फोक लिया है, तो फोक से मैं बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से इसे मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए, इसी तरीके से आपको फोक से मिक्स कर लेना है। एक अच्छे से मिक्स करने के बाद गाइस, अब हम इसमें डालेंगे नूडल्स मसाला। ये सेम नूडल्स मसाला है जो हमें नूडल्स के पैकेट में मिलता है गाइस, तो मैं इसमें से सिर्फ हाफ ही डाल रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। अगर आप उससे ज़्यादा के बना रहे हैं तो आप सारा जो पैकेट में होता है आप सारा यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डालूँगी कुछ सॉस। ये है चिली सॉस, रेड चिली सॉस है गाइस, तो मैं रेड चिली सॉस थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है। और इसमें हमने ऑलरेडी ग्रीन चिली भी डाल रखा है, तो ग्रीन चिली बहुत ही तीखा होता है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ग्रीन चिली सॉस, ये भी मैं बहुत कम क्वांटिटी में लेने वाली हूँ। आप किसी भी ब्रांड का चिली सॉस ले सकते हैं, यहाँ मेरे पास चिंग्स का था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे डालेंगे डार्क सोया सॉस। तो सोया सॉस मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून तक ऐड किया है इसमें। देख सकते हैं सोया सॉस से बहुत ही अच्छा कलर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में विनेगर डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली विनेगर का फ्लेवर उतना पसंद नहीं आता है गाइस, इसलिए मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ इसमें। अब हम यहाँ पे फिर से हम फोक लेंगे और सेम जो हमने पहला वाला तरीका यूज़ किया था ना मिक्स करने का, वही सेम तरीके से इस बार भी हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। तो सारा जो हमारा मसाला था, सॉस वगैरह था, वो अच्छे से इसमें कोट हो जाता है और बहुत ही अच्छे से मिक्स भी हो जाता है गाइस। आप ज़रूर ये तरीका यूज़ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला हैक कैसा लगा। तो गाइस, ये मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है, ये मेरा इन्वेंटेड हैक है। प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आप लोगों को ये हैक कैसा लगा और कन्वीनियंट है कि नहीं है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे टेस्टिंग पाउडर एंड लास्टली सॉल्ट। तो गाइस, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त भी सॉल्ट डाला था, तो इसको माइंड में रखकर आप फिर से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। एक बार चखिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे सॉसेस में भी बहुत सारा सॉल्ट होता है, तो आप चख कर उसके बाद आप सॉल्ट कम है या ज़्यादा है उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं।
मैंने इसे अपने सर्विंग प्लेट में यहाँ पे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना यमी और टेस्टी लग रहा है ये। और मैं तो चलिए अब इसे खाने के लिए, आप भी जाइए क्विकली इसे बनाएं इजी पीजी नूडल्स और ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वाला नूडल्स कैसा लगा और ये हैक आपको कैसा लगा। बाय बाय।